हेलो एवरीवन, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग पेपर नंबर टू ऑफ जेई एडवांस 2022। डन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्वस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, सॉल्यूशंस चैप्टर से, एन एक्वस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉल्ट इन 1.8 kg of, okay, solvent is more. The salt remains 90% dissociated. आपको अल्फा दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है 0.1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट या वाटर, वाटर आपको दिया हुआ है 1800 ग्राम्स। डन, मोल्स में कैलकुलेट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1800 मोल्स। Then number of moles of H2O is very very greater than number of moles of solute. Solute हम B लेके चल रहे हैं। Done। अभी alpha की value आपको given है, alpha दिया हुआ है साथ में, alpha is equals to 90%। Done। Dissociated the vapor pressure of the solution, okay। वेपर प्रेशर दिया हुआ है ऑफ द सॉल्यूशन पी एस इज इक्वल्स टू 59.724 एंड वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है आपको पी नॉट इज इक्वल्स टू 60। द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंटेड, सो वी हैव टू सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एन, वी हैव टू सॉल्व फॉर वैल्यू ऑफ एन। ओके, सॉल्व करते हैं। So we know that P naught minus PS divided by P naught is equals to I into mole fraction of B. इसको हम लोग लिख लेते हैं I into N B upon number of moles of water. Done. It is equals to. क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि सर ज़्यादा है तो उसको लेने का कोई मतलब नहीं है, कैलकुलेशन जबरदस्ती परेशान करेगी। नाउ दिस वन इज व्हाट, 60 माइनस 59.724 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 100। आई इज इक्वल्स टू 0.276 into 100 divided by 0.1 into 60, isn't it? यही होगा। I का वैल्यू जो आपके पास आने वाला है, I कैलकुलेट कर लेते हैं। I is 0.76 into 100 divided by 6. That is equals to 4.6. Done. The value of I is equals to what? 4.6. Alpha आपको given है. Alpha को मैं लिख लेता हूँ. 90% means 9/10, it is equals to, we know that alpha is equals to I minus 1 upon N minus 1, N का value हमें find करने का है, it is 4.6 minus 1 divided by N minus 1, so यहाँ से जब आप N calculate करोगे, it is I think N 5N minus, पूरा ही solve करना होगा, नाइन एन माइनस नाइन डेट इज इक्वल्स टू 46 एंड माइनस 10 इट इज 9N इज इक्वल्स टू 36
plus 9n is equals to 45 divided by 9, that is equals to 5. So your answer is what? 5. Done? Next. ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, एंड एटम एक्स ऑक्यूपाई द एफसीसी लैटिस एज वेल एज अल्ट्रा, अच्छा सॉलिड स्टेट में एटम एक्स दिया हुआ है, ऑक्यूपाई द एफसीसी लैटिस एज वेल एज अल्टरनेट टी वॉइड्स ऑफ द सेम लैटिस, द पैकिंग एफिशिएंसी, इजी है, डन। सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ सी सी है तो 1/8 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 1/2, डन। एज वेल एज टेट्राहेड्रल साइड, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल, तो एफ सी सी में हमें पता है कि n होता है किसके बराबर, आपका 4 के बराबर, उसके डबल आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाता है, डन। लेकिन वो अल्टरनेट बोल रहा है तो प्लस 4 टी वॉइड्स वाला भी एड कर देते हैं, गॉट इट। इट इज 1, 3 एंड टोटल इज वॉट 1 + 3 + 4, डेट इज इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास जो आ रहा है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इज वॉट z। नेक्स्ट एफ सी सी है बॉस, तो एफ सी सी के अंदर आपको पता होगा टी वॉइड्स भी यूज कर रहा है, तो अंडर रूट 3a/4 इट इज इक्वल्स टू वॉट 2r होता है। यहां से हमारे पास r का वैल्यू हो गया अंडर रूट 3a/8। अभी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं इन परसेंटेज, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन इन परसेंटेज, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स आर हाउ मच, 8 इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय a³ इज हाउ मच, a इज इक्वल्स टू 8r, 8r डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, डन। इट इज 8r बाय अंडर रूट 3 का होल क्यूब, दिस r से ये r कैंसिल हो गया आपका, डन, और ये आपका निकल के आया 8 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 3√3, डन, डिवाइडेड बाय 8³, ये आपका गया, ये स्क्वायर हुआ, ये यहाँ से कैंसिल हुआ, इट इज 4 × 22/7 इंटू अंडर रूट 3/64। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये आने वाला है आपका, क्योंकि परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हो तो 100 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 33.9 समथिंग, डन, अप्रॉक्सीमेटली 33.9 समथिंग है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं इट इज वॉट 35, एग्जैक्ट आपका जो आएगा वो इतना आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली इट इज इक्वल टू अवर 35%, सो बी इज द करेक्ट आंसर, गॉट इट। इजी क्वेश्चन है, इसके पहले वाला भी इजी ही था, इसके पहले भी इजी था, मतलब देखा जाए तो क्वेश्चन इजी ही पूछा गया है, पेपर वन में भी ऐसा कुछ खास था नहीं। ओहो, इजी का नाम लेते ही हाँ, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कंसिडर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट UMP लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अच्छा 2 की दी हुई है, इसका दिया हुआ है और इसका भी दिया हुआ है, तो इसका निकालना होगा, ये यहां पे दिया हुआ है, कर्व को यूज करते हुए, प्लॉट को यूज करते हुए हम लोगों को इसकी भी कैलकुलेट करनी होगी मोलर कंडक्टिविटी, डन। ये तो इन्होंने दे दिया द वैल्यू ऑफ m+n+n, ओके फाइन। तो सबसे पहला काम तो हम लोग एक काम करते हैं,
वो कैलकुलेट कर लेते हैं. फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डन लैम्डा एम ऑफ सी इज इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी अंडर रूट सी. ये आपने नोट्स में फॉर्मूला देखा होगा, ये हम लोग जब पढ़ाते हैं तब ये लोग करवाते हैं. डन, तो लैम्डा सी इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट माइनस बी अंडर रूट ऑफ सी. नेक्स्ट, अभी हर पॉइंट पे 0.001 कॉन्सेंट्रेशन पर आपका आ रहा है 339, तो इट इज 339, इट इज इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी ऑफ 0.001. बी कैलकुलेट करना है हमें अभी, ठीक है, वही तो हमारा होगा. अब ये रहा 0.004 कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी आ रही है आपकी 336, इट इज इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस 0.004. डन, इसमें हम लोग बी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, इट इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 0.03 बी एंड बी इज इक्वल्स टू 100. डन, अभी लैम्डा नॉट फॉर जेड एम एक्स एन इज इक्वल्स टू व्हाट. बी की वैल्यू पुट करेंगे आपका 100 इंटू 0.011, सो इट इज इक्वल्स टू 339 प्लस 1, डेट इज इक्वल्स टू 340. तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास इसका भी है, ये कैलकुलेट कर लिया हमने, ये कितना है आपका 340, इसके लिए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 250, और इसके लिए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 440. अब तो सिंपल है, कैसे, तीन इक्वेशन बन जाएगी. डन, तीन इक्वेशन बन जाएगी. सो तो फर्स्ट वाले के लिए सॉल्व कर लेते हैं, इट इज व्हाट 340 इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ जेड एन प्लस लैम्डा नॉट. एम टाइम्स ऑफ लैम्डा ऑफ जेड एन प्लस प्लस एन टाइम्स ऑफ लैम्डा ऑफ एक्स एम माइनस. डन, सो ये हुआ आपका 340 प्लस एम इंटू लैम्डा जेड एन प्लस, इट इज व्हाट 50 एम प्लस एक्स एम माइनस, इट इज व्हाट 80 एन. गॉट इट, तो पहला इक्वेशन हमारा ये आ गया. नेक्स्ट इज, दूसरे के लिए सॉल्व करते हैं, यू एम वाई पी, इट इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ लैम्डा एम पी प्लस प्लस पी टाइम्स ऑफ लैम्डा वाई एम माइनस. गॉट इट, सो लैम्डा एम ऑफ पी प्लस, यू यू ऑफ पी प्लस, इट इज 25 एम, इट इज 25 प्लस वाई एम माइनस, इट इज 100 पी. ये कितना दिया हुआ था, ये हमारे पास 250. गॉट इट, ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन, लैम्डा नॉट फॉर वी एम एक्स एन, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, एम टाइम्स ऑफ लैम्डा एम ऑफ एन प्लस प्लस एन टाइम्स ऑफ लैम्डा
एक्स एम प्लस, डन। इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 440, डेट इज इक्वल्स टू व्हाट, एम वी 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 एन प्लस, इट इज इक्वल्स टू 100 m प्लस एंड एक्स एम माइनस, इट इज माइनस, इट इज व्हाट 80 n. सो वी हैव नाउ थ्री इक्वेशंस, वी हैव नाउ व्हाट थ्री इक्वेशंस, लिख लेते हैं। अब थ्री को पुट करके हम लोग सब एक्स एम वाई की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन इज 340 इज इक्वल्स टू 340 इज इक्वल्स टू 50 m प्लस 80 n. नेक्स्ट इज 250 इज इक्वल्स टू 25 m प्लस 100 p, डन। नेक्स्ट इज 440 इज इक्वल्स टू 100 m प्लस 80 n, 80 n. इन दोनों के लिए सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड पे हम लोग जाएंगे तो ये हुआ आपका 100 माइनस किया, दिस वन इज योर 50 m और ये कैंसिल हो गया, m इज इक्वल्स टू व्हाट 2, द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू व्हाट 2, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे तो ये हुआ 340 माइनस 100, डेट इज इक्वल्स टू 80 n. सो 240 डिवाइडेड बाय 80, डेट इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू व्हाट 3. नाउ n इज इक्वल्स टू 3, m इज इक्वल्स टू 2, नाउ वी हैव टू फाइंड p. तो दिस वन इज 250, डेट इज इक्वल्स टू 25 इंटू एम की वैल्यू इज योर 2, तो इट इज 250, सो प्लस 100 p, ये हो गया आपका 200, डेट इज इक्वल्स टू 100 p एंड p इज इक्वल्स टू व्हाट 2. सो m प्लस वैल्यू ऑफ m प्लस n प्लस p डेट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 प्लस 2 डेट इज इक्वल्स टू 7, डन। The value of m plus n plus p is equals to 7. Got it? Next. Concentration of H2SO4 and Na2CO3, Na2SO4 in a solution is 1 m and 1.8 into 10 to the power. Okay. Then solubility of PbSO4, Ksp ki value di hui hai, K1, fine. सबसे पहले तो H2SO4 है, H प्लस प्लस HSO4 माइनस वन, देन HSO4 माइनस वन क्यों लिख रहे हैं सर, Ka1 दिया हुआ है वो तो ज़्यादा है और Ka2 की वैल्यू हमें दी हुई है वो हम लोग जानते भी ऐसे, ठीक है, कि H2SO4 इज़ ए व्हाट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके लिए 100% अल्फा की वैल्यू है ही, और ये हो गया आपका H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। आप देखते ही समझ रहे होंगे PbSO4 के लिए दिया हुआ है आपको क्या, Ksp की वैल्यू, डन। यहां से आप अगर SO4 2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको पुट करो, उसको Ksp से डिवाइड कर दो, अपने आप आपका Pb2 प्लस आएगा, इजंट इट ना। तो क्वेश्चन तो इजी है, 1
0 0 0 1 1 it is 1 0 0 and this is 1 minus x x and your x done abhi isko main aisa likh du 1 plus x isn't it okay then ye hua aapka k2 k2 is equals to x upon 1 plus x divided by 1 minus x k2 is what 0.012 that is equals to x 1 plus x upon 1 minus x यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी बॉस यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी और मैं डायरेक्टली x की वैल्यू पुट कर देता हूँ x is equals to what माइनस 0.00586 माइनस 0.00586 के बराबर जो होगा वो आपका इसका वैल्यू आ जाएगा हाँ कुछ और भी दिया हुआ था Na2SO4 ओहो ये भी तो दिया हुआ है प्लस 1.8 × 10⁻²। भाई हमें Na2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है ठीक है Na2SO4 गेट कन्वर्टेड इंटू 2Na++SO42-। डन वो भी हमें दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा ये पहले से भी 1.8 × 10⁻²² था ही सही यहाँ हम लोगों को पुट करना था उसको के एक एक्सप्रेशन में ये लीजिए तो के ए टू इज इक्वल्स टू कितना था 1.2 × 10⁻², डेट इज इक्वल्स टू वॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO42- डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HSO4-1। डन अभी पुट कर देते हैं सर इट इज वॉट 1 + x and it is x plus 1.8 × 10⁻², divided by 1 minus x, that is 1.2 × 10⁻²। Got it? अभी जब x की वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे x is equals to how much? -0.00586। पूरा सॉल्व करने के बाद आपको ये वैल्यू वहां से मिलने वाली है नेक्स्ट अभी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO42- डेट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस कितना दिया हुआ था 1.8 × 10⁻²। एक्स की वैल्यू हमें पता है कितनी है -0.00586 प्लस इट इज 0.018। डन अभी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO42- आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO42- इज इक्वल्स टू 0.8 0.01214 डन PbSO4 Pb2+ SO42- सर इसकी सॉल्युबिलिटी है इसकी सॉल्युबिलिटी है KSP जो होगा इट इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2+ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO42-। KSP की वैल्यू हमें गिवन है KSP इज हाउ मच 1.6 × 10⁻⁸
1.6 into 10 to the power minus 8, that is equals to, ये कितना था हमारा, इसको डायरेक्टली डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 0.01214, दैट इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी बी टू प्लस, डन। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आने वाला है आपका 1.318 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6। आपसे पूछा क्या था, इसकी वैल्यू पूछी थी, y की वैल्यू, व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? सो वैल्यू ऑफ y इज व्हाट, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 6, नॉट माइनस 6, डन। उसने सिर्फ y की वैल्यू पूछी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लेंदी है थोड़ा सा। इस क्वेश्चन के अंदर है क्वेश्चन इजी, क्वेश्चन इजी है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हर ऑप्शन को चेक करना रहेगा। हर ऑप्शन को क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे, देखते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 3, सबके परसेंटेजेस आपको दिए हुए हैं, सबके परसेंटेज आपको दिए हुए हैं, 50% फर्स्ट वाले कंपाउंड के अंदर दिया हुआ है कि 50% है, नेक्स्ट वाले में दिया हुआ है आपका 44.4, 55.6 एंड 40-60 का दीर्घ है। हिट एंड ट्रायल, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पे जाएंगे। इफ एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 3 इज P3Q4, ओके, देन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ, ठीक है, तो कंपाउंड थ्री के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाते हैं तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग थ्री एम पी बाय 4Q, थ्री एम पी बाय 4 एम ऑफ क्यू, दैट इज इक्वल्स टू, कितना कितना परसेंटेज दिया हुआ है, 40 एंड 60, ये दिया हुआ है आपको 40 एंड 60। तो यहां से एम पी बाय एम क्यू, जो मोलर मास रेशियो है इनका, वो आ रहा है आपका कितना, 8/9, दिस इज व्हाट, 8/9। नेक्स्ट, अब इसको चेक कर लेते हैं, अगर रेशियो बराबर आता है, ठीक है, अगर रेशियो बराबर आता है तो इसका मतलब ऑप्शन सही है, मोर देन वन के अंदर है। नेक्स्ट इज P3Q5, तो यहां हमने क्या किया, कंपाउंड टू के लिए, फॉर कंपाउंड टू हम लोग यहां पे एम एम पी क्यू एंड योर एन एम पी क्यू, डेट इज इक्वल्स टू वॉट, 44.4 डिवाइडेड बाय 55.6। तो एम बाय एन की वैल्यू यहां से जब हम लोग कैलकुलेट, एम पी बाय एम क्यू हमारे पास है 8/9, डेट इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर, 4/5 के बराबर। तो m बाय n की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास, वो आ रही है 36 एंड 40 एंड, दिस इज 9/10, दिस इज व्हाट, 9/10। तो वैल्यूज तो बराबर आई नहीं, ये आपका कितना था, 8/9, ये आया आपका 9/10, फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट बी ऑप्शन के ऊपर हम लोग जाते हैं, बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है P3Q2, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड P3Q2 एंड एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट P इज 20, देन ओके चेक करते हैं। तो ये है आपका कंपाउंड थ्री, कंपाउंड थ्री के बारे में कह रहा है कि वो भैया P3Q2 है, तो 3 MP/2 MQ इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2/3 दिया हुआ है पीछे, डन।
तो एम पी बाय एम क्यू जो होगा आपका, एम पी बाय एम क्यू हो गया आपका 4/9। डन। अभी क्या कह रहा है वो, अभी कह रहा है कि एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट P इज 20, देन एटॉमिक वेट ऑफ Q। अगर अब Q 45 आता है तो इसका मतलब ये करेक्ट है। डन। तो इसको पुट करते हैं 20 MQ, हमें सॉल्व करना है, उसको 45 अगर आता है तो वो आपका बराबर हो जाएगा MQ इज इक्वल्स टू 20 × 9/4, दैट इज इक्वल टू 5 एंड इट इज 45। ओके बॉस, बी इज द करेक्ट वन। डन। नेक्स्ट इज सी, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 2 इज, 2 की बात कर रहा है, दैट इज PQ, देन एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ 1 विल बी P5Q4। ओके, PQ। डन। तो PQ है तो इट इज 1 × MP/1 × MQ, दैट इज इक्वल्स टू कितना कितना परसेंटेज था, आई थिंक वही है 4/5। तो MP/MQ इज इक्वल्स टू 4/5। डन। अभी दूसरे वाले के लिए सॉल्व करते हैं। m by n into 4 by 5 is equals to 1, isn't it? M by n to kitna tha, 1/1, so m by n is equals to 5/4 is equals to 5/4। तो हो गया ना, ये P तो हो गया आपका 5 और Q हो गया आपका 4। डन। तो C ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, इफ एटॉमिक वेट ऑफ P एंड Q आर, if atomic weight of P and Q are 70 and 35, then empirical formula of compound 1 is, so ये correct है आपका, ये भी correct है, P2Q, okay, so इसके लिए जब हम लोग solve करेंगे तो MP दिया हुआ है 75, formula क्या था, फॉर्मूला दिया हुआ है एटॉमिक वेट ना, फॉर्मूला नहीं है, 70 एंड 35। तो ये रहा MQ दिया हुआ है आपको 35 और ये दिया हुआ है 70। डन। तो m × 70/n × 35 दैट इज इक्वल्स टू 1:1, mn/n इज इक्वल्स टू वॉट 1/2। तो कंपाउंड होना चाहिए था आपका PQ2, लेकिन आ कुछ हो रहा है, शायद आ रहा है आपका P2Q, तो इट इज नॉट करेक्ट। डन। तो इजी था, लेकिन हर स्टेप को सॉल्व करना था, हर ऑप्शन पे जाके चेक करना था, लेंदी था, लेंदी कह सकते हैं। डन। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन 2H+ MS+2H+ aqueous get converted into M2+ aqueous and then your hydrogen। डन। यही है रिएक्शन। तो हमें उससे तो मतलब है नहीं, हमें निकाल दिया हुआ है डेल ई, एग्जैक्टली इट इज थर्मोडाइनमिक्स क्वेश्चन। डन। डेल ई, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, एन का वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 2, तो डेल जी इज इक्वल्स टू -S dT के बराबर, या इसको भी डी ले लीजिए,
और ये आपका होता है n, डेल में जा रहा हो तो डेल e इंटू एफ डेट इज इक्वल्स टू माइनस एस डी टी, बोथ गेट कैंसिल, s और डेल s इज इक्वल्स टू, डेल s इज इक्वल्स टू एन एफ डेल ई बाय डेल डी टी, इजेंट इट। इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, डेल एस इज इक्वल्स टू टू इंटू एफ, और हमेशा डेल ई बाय डी टी की वैल्यू दी हुई है, डेट इज इक्वल्स टू आर बाय एफ, आर बाय एफ, एफ से एफ कैंसिल, इट इज इक्वल्स टू टू आर। और वो हमें क्या कह रहा है, वो हमें कह रहा है कि भैया आर के बराबर होना चाहिए, कह रहा है ना, कह रहा है एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज आर, लेकिन हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 2R, तो ये तो गलत है, इट इज सिंपली रॉन्ग। नेक्स्ट, द सेल रिएक्शन PTH2 कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, इज एन एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस, एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस मतलब डेल्टा S इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस करते हैं सॉल्व। H2 plus 2H plus गेट कन्वर्टेड इंटू H2 plus 2H plus, यही तो दिया हुआ है, पहले मोलरिटी थी 0.01, पहले मोलरिटी 0.0, टू से गेट कन्वर्टेड इनटू 0.1, इट इज 0.1 एंड इट इज 0.01, डन, इट इज 0.1 एंड इट इज 0.01। अब यहां पे डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू 0, डन, सो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस टी डेल्टा एस के बराबर। स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी जो होगा वो आपका नेगेटिव, वो अगर आपका नेगेटिव होगा तो ये मान के चलिए कि ये जो होगा आपका इट इज 0 माइनस टी डेल्टा एस, सॉरी टी डेल्टा एस, दिस वन इज ग्रेटर देन, सो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन व्हाट 0, सो बी करेक्ट है, बी इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन, B1 is what? Correct one. For racemization of an optically active compound, delta S is equals to. तो racemization में क्या होता है? Racemization में एक mixture prepare होता है. Done? तो mixture जब prepare होगा, racemization में क्या होता है? एक compound जो होता है, एक simple compound जो एक आपका chiral compound है, ठीक है, वो एक मिक्सचर को प्रोड्यूस करता है, दो तरह के कंपाउंड बनाता है, एक ऑप्टिकली डेक्स्ट्रोरोटरी एंड लिवोरोटरी, दोनों का मिक्सचर होता है, तो मिक्सचर होने की वजह से क्या होगा, डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 से ज्यादा होगी, तो सी इज ऑल्सो करेक्ट, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 फॉर NiH2O6 2+3 En, गेन कन्वर्ट, ओहो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, वाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज्यादा बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कितने हैं आपके 1 and your 3, 4, अभी रिएक्शन में क्या हो गया, मिक्सचर के अंदर जो यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर आ रहा है उसके अंदर क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके बढ़ रहे हैं, डन, तो इट इज व्हाट आल्सो करेक्ट, तो आंसर इज व्हाट योर B, C and D, गॉट इट, और भी है, सो दिस वॉज अवर लास्ट क्वेश्चन, तो आशा तो ये करते हैं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा, तो अपने सॉल्यूशंस को एक बार चेक कर लीजिए, अपने आंसर्स मैच करवा लीजिए, डन, ओके देन, बाय बाय।